तो ये रही हमारी आज की बस जर्नी वाली बस रहे जैसलमेर से जोधपुर। हमारे साथ जुड़ गए ड्राइवर और कंडक्टर साहब। और आपका नाम क्या है? शैतान सिंह वाली। और कितने साल हो गए मतलब आपको ड्राइविंग करते? मेरे को 70 साल। तो यहाँ पे मतलब आपको मैंने बोला कि पकोड़े सही रहे, पकोड़े खाते हो और चाय भी पीते हैं। आप सबका स्वागत है जोधपुर में। सो जय द्वारकाधीश। तो मैंने बोला था कि हमारी बैक टू बैक जर्नी आ रही है। तो अभी मैं फिलहाल हूँ, आपको पता है मैं बाड़मेर से जैसलमेर आया था। तो अभी आप देख सकते हैं पीछे मैं जैसलमेर बस स्टैंड पे हूँ और पीछे मेरे जैसलमेर फोर्ट हो गया। और ये रही हमारी आज की जर्नी वाली बस। तो आज हम सफर करने वाले हैं जैसलमेर से जोधपुर 3 RSRTC मतलब राजस्थान परिवहन की ऑर्डिनरी बस बोली या फिर एक्सप्रेस बस बोली, एक ही है, सब ऑर्डिनरी बस है। तो मैं आपको एक बार बाहर से एक लुक दिखा देता हूँ, रूट बोर्ड देख लेते हैं और क्या फंक्शनलिटी है मतलब क्या एमिनिटीज है और कौन से रूट पे जाएगी, कितने बजे निकलती है, कितने प्राइसिंग है, सब कुछ टिकट साइज कितना है, डिस्टेंस कितना कवर अप करती है, कितने बजे मतलब आपको जैसलमेर से जोधपुर जाना है तो कितनी बसें यहाँ से अवेलेबल है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट हमारी स्टाइल में। तो मैं हूँ आपके साथ, आप है मेरे साथ और हम सब है आज RSRTC के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रही है हमारी आज की बस जर्नी वाली बस। तो ये है कुछ जैसलमेर डेपो डिवीजन वाली कुछ बस है ये, और RSRTC ये भी BS3 वाली मॉडल है। हमने पहले इसकी जर्नी की बाड़मेर से जैसलमेर, देन अभी इसकी कर रहे हैं जैसलमेर से जोधपुर। ये कुछ हो गया आपका RSRTC का लोगो, ये कुछ है BS3 मतलब बाहर का लुक बस का। ऑर्डिनरी बस है तो चलते हैं अंदर, बस में बोर्ड करते हैं, देन आपको बस दिखा देता हूँ एक बार अंदर से लाइटली। एज यूजुअल आप देख सकते हैं 3x2 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे लगेज कंपार्टमेंट हो गया और ये कुछ 47 सीट्स के साथ आती है। तो करते हैं जर्नी को स्टार्ट यहाँ से, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, रूट प्राइसिंग, टिकट प्राइसिंग सब कुछ। तो करते हैं स्टार्ट यहाँ से, जैसलमेर से डिपार्ट करते हैं जोधपुर के लिए। सो ये कुछ हो गया आपका ड्राइवर केबिन और यहाँ पे हमारी 3 नंबर की सीट्स है एज यूजुअल आपको पता है। बात करूँ हमारे रूट की तो ये चलती है जैसलमेर से मतलब राइट 12:15 और अप्रोक्सीमेटली आपको जोधपुर पहुँचा देगी कुछ शाम के 6 बजे के अराउंड, 5 से 6 बजे के अराउंड। देखते हैं अभी लेट सी जोधपुर पहुँचते कितने बजे हमको कौन से बस स्टैंड पर मतलब रायकाबाद पर या फिर जोधपुर रेलवे स्टेशन के सामने देखते और कितने बजे वहाँ पे एक्जैक्टली पहुँचते। और टोटल डिस्टेंस कवर अप करती कुछ 300 किलोमीटर और दोपहर की जर्नी होने वाली है। मैं आपको केबिन राइड दिखाता रहूँगा क्योंकि डेजर्ट वाला सीन दिखाता रहूँगा मतलब दोनों साइड डेजर्ट होगा और बीच में हमारा हाईवे होगा। और बात करूँ रूट की तो पोखरण और देन बालासिनोर दो ही भी हम कवर अप करेंगे जो हो पाएगा तो, क्योंकि RSRTC का मुझे मालूम नहीं क्योंकि बस स्टैंड है कहीं पे, बस स्टैंड नहीं है क्योंकि हाईवे पे खड़ी रहती है। तो और मैंने पे किया अराउंड 292 रुपीज़ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मैंने ऑनलाइन RSRTC वेबसाइट से बुकिंग की है, आप भी कर सकते हैं, इजीली आपको सीट मिल जाएगी। तो करते हैं डिपार्चर यहाँ से जैसलमेर से सुवर्ण नगरी से जोधपुर के। Thank you.
तो फाइनली 2:10 पोखरण आ गया है, मतलब पोखरण बस स्टैंड आप बोलिए या फिर पोखरण सब्जी मंडी बोलिए, मुझे तो किसी तरह से बस स्टैंड नहीं लग रहा है। RSRTC में से कोई देख रहा है तो आप अपने मतलब बस स्टैंड या फिर ये सारी बसेस को अपग्रेड कीजिए ताकि और जो सवारी बढ़े। और आपने आगे देखा तो इसमें जितनी सीटें नहीं उससे ज़्यादा तो पैसेंजर भरे, इसकी वजह से मैं कैबिन डाइट आपको अच्छी तरह से नहीं दिखा पाया, लेकिन अभी देखते लेट्स सी। और यहाँ से आपको रामदेवड़ा की बसेस भी मिल जाएगी। मैं अगली बार जब भी राजस्थान आऊँगा तो आपको रामदेवड़ा का ब्लॉग जरूर ट्राई आउट करके मतलब दिखाऊंगा। तो करते हैं यहाँ से ऑफिशियली डिपार्ट।
तो फाइनली 4:10 हुआ और अभी हम पहुंचे हैं बालेसर। ये हमारे स्टॉप का सेकंड स्टॉप है, मतलब हमारी जर्नी का सेकंड स्टॉप है। जर्नी लंबी ना हो जाए इसके लिए मैंने दो ही स्टॉप चूज किए थे, ये एक था हमारा पोखरण और तीसरा है हमारा ये बालेसर। आप देख सकते हैं मतलब प्रॉपर बस स्टैंड नहीं है, मतलब प्रॉपर बस स्टेशन नहीं है, बस स्टैंड है, बीच पे खड़ी रहती है, मतलब ये साइड में बस स्टैंड और यहाँ पे बालेसर है। तो यहाँ से भी मतलब अभी अप्रोक्सीमेटली 70 किलोमीटर जैसा है। यहाँ पे फेमस है कुछ पकौड़ा जैसा, तो करते ड्राइवर साहब से भी आपकी बातचीत कराता हूँ और पकौड़े भी मतलब खाते हैं और देन चाय भी पीते हैं यहाँ से। और कुछ 17 किलोमीटर जैसे जर्नी बाकी, मतलब अभी 4:10 तो हम समझिए 6 बजे अराउंड हम जोधपुर पहुँच जाएंगे। तो मैं आपको वर्चुअली खिलाता हूँ और मैं भी खाता हूँ और ड्राइवर साहब से भी आपकी बातचीत कर रहा हूँ। सो फाइनली हमारे साथ जुड़ गए ड्राइवर और कंडक्टर साहब। तो ये रहे हमारे मतलब RSRTC से अभी जो हम बस में जर्नी कर रहे हैं उस बस के कंडक्टर साहब। तो आपका नाम क्या है? देवेंद्र सिंह की थी। तो ये बस के बारे में कुछ बताएं, मतलब टाइमिंग क्या है, कौन कौन से? 6:30 चलती है जैसलमेर के लिए, जैसलमेर से वापस 12:15 के लिए जोधपुर के लिए। प्राइसिंग क्या है मतलब? हमारे ड्राइवर साहब आपको मतलब ड्राइवर नहीं बोले कैप्टन बोले, आप देख रहे कैसे चला रहे हैं उनकी मतलब बस क्रूजिंग 90 अब जा रही है हमारी बस। और आपका नाम क्या है? शैतान सिंह पाटिल। ओके, नाम पे मत जाइए, मतलब जेन्युइन मानस से जेंटलमैन। और कितने साल हो गए मतलब आपको ड्राइविंग करते? 10 साल हो गए। और आपको RSRTC में कितने साल हो गए? 7 साल। यही रूट कंटिन्यू यही रूट जयपुर। ओके ओके, तो यहाँ पे मतलब आपको मैंने बोला कि पकौड़े, तो ये रहे पकौड़े, खाते हो और चाय भी पीते और देन जर्नी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। Ha ha ha.
सो आप सबका स्वागत है जोधपुर में। तो ब्लू सिटी जोधपुर में हम पहुंच गए। अभी यहां का मतलब टाइम हुआ है 5:40 बिफोर टाइम हम पहुंचे, 5 मिनट बिफोर टाइम पहुंचे। बात करूं आप देखे पीछे जोधपुर बस स्टैंड है, मैंने पहले भी आपको जोधपुर बस स्टैंड दिखा हुआ है। और ये रही हमारी बस जो हमको जैसलमेर से जोधपुर लेके आई है। टाइम अप्रोक्सीमेटली लगा है कुछ 5 घंटे 45 मिनट मतलब 40 मिनट के अराउंड। और ये रहे हमारे ड्राइवर साहब जिन्होंने हमें पीसफुली यहाँ पे पहुँचाया, तो थैंक यू, थैंक यू। और फिर से मिलेंगे, आपने पीसफुली हमको यहाँ पे पहुँचा दिया। तो ये कुछ है हमारे ड्राइवर साहब। और बात करूँ जोधपुर तो यहाँ पे आपको एक या दो दिन में आप जोधपुर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ से आपको राजस्थान की मतलब RSRTC की सारी बसेस मिल जाएगी, लाइक वॉल्वो, ऑर्डिनरी, लग्जरी। मतलब आपको यहाँ से कहीं पे भी मतलब राजस्थान में कहीं पे भी जाना है तो आपको यहाँ से इजीली बसेस मिल जाएगी। और टोटल मतलब बात करूँ एमिनिटीज की, पंक्चुअलिटी की, या फिर टोटल रेटिंग दूँ इस बस की, तो मैं 10 out of 10 दूंगा। खाली बस को थोड़ा रिनोवेट करना चाहिए, मतलब कलर वलर कर दे तो टॉप लेवल चलेगी चलने में। तो हाईवे पे अपनी ऑलरेडी आपने देख लिया हाईवे पे कैसे चल रही है और हमारे ड्राइवर साहब भी कैसे चला रहे हैं। तो मैं आप मुझे बताइए आप इस बस को कितने रेटिंग देंगे। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नए वीडियोस बनाने की। तो बस फिर से मिलूंगा नई जर्नी के साथ, नए रूट के साथ। तब तक के लिए जय द्वारका।